केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। चलिए आपको बताते हैं कि संसद के इस विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। संसद के विशेष सत्र को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 2 बिलों पर चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि किन 5 विधेयक पर चर्चा होने वाली है। पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और 5वां विधेयक प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023। इन बिलों में सबसे चर्चित है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का सरकार का इरादा है और इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नए विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पास करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 9 साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसे लोकसभा से भी पारित कराया जाना चाहिए। वहीं विपक्ष की पार्टियां आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को बहाल करने की मांग कर रही है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव न करने का भी मुद्दा उठाया है। इसके अलावा महिला आरक्षण, जाति जनगणना, अडानी मामला, CAG रिपोर्ट, मणिपुर, मेवात सहित तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की जा रही है। वहीं संसद का विशेष सत्र जैसे ही बुलाया गया था, वैसे ही कयास शुरू हो गए थे कि इसका मकसद क्या होगा। सत्र बुलाने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के बनाए जाने के बाद मीडिया में ये कहा गया कि विशेष सत्र में इसकी चर्चा हो सकती है। वहीं चर्चा ये भी थी कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया रखा गया है, तो शायद केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत करने का प्रस्ताव रख सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।